नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मेरठ के नेशनल हाईवे पर स्थित ब्लैक पेपर होटल में खाना खाने गए मोहिनुद्दीनपुर चौकी इंचार्ज सुखपाल सिंह पवार और एक महिला ने खाना लाने की देरी का विरोध किया, जिस पर बवाल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बस्तापुर थाने के मोहिनुद्दीनपुर चौकी इंचार्ज सुखपाल पवार कांकर खेड़ा निवासी एक महिला के साथ होटल में खाना खाने गए थे। आरोप ये भी है कि दोनों नशे के हालत में थे। खाना लाने में देरी होने की वजह से महिला ने होटल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया और होटल स्टाफ से मारपीट करने लगी। महिला ने दरोगा से पिस्टल तक निकालने को कहा, जिसके बाद भाजपा पार्षद यानी ब्लैक पेपर होटल के मालिक चौधरी मनीष ने अपने होटल का गेट अंदर से बंद करा दिया, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लें। हाँ, सुनो सुनो पवार साहब, सुनो, हम इतना बड़ा सवाल है, सुनो, दिनों दिन के जनाब में मेरे पास सुनो, हमें तो तुम्हारी फोटो, हाँ, मेरे फोन दे, हाँ, अभी दे, मेरे फोन दे, मैडम, हाँ, सुनो, गोली, देखो सुनो, गोली मारो ना, अरे हम भी देखना चाहते हैं इस पूरे मेरे, सुनो एक मिनट, सुनो बिराजी को फोन करो, अभी हम देखना चाहते हैं, मेरी बात सुनो, अरे सुखपाल सिंह पवार, सुनो और फोड़ ले, देखा कि किस तरह से होटल मालिक ने चौकी इंचार्ज से गाली गलौज करते हुए थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ दिए। इस थप्पड़ मारने के दौरान चौकी इंचार्ज नीचे भी गिर गए। हालांकि एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कांकर खेड़ा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। चौकी इंचार्ज और महिला को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मगर वही महिला ने होटल मालिक, मैनेजर, एक कर्मचारी पर मारपीट, छेड़छाड़ और बंधक बनाकर धमकी देने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। इस मामले की जांच आगे एसपी सिटी कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।